नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने फिल्म शमशेरा का ट्रेलर देखा है, तो आज के वीडियो में मैं इसी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये दरअसल 1871 की कहानी है। एक काल्पनिक जगह है जिसका नाम काजा रखा गया है। वहां पर ब्रिटिश हुकूमत है और ब्रिटिश हुकूमत के ही एक अफसर है शुद्ध सिंह, जिसका रोल संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, वो दरोगा के रोल में है। और ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से वहां के रहने वाले वासिंदों पर अत्याचार करती है, उनका मानसिक तथा शारीरिक रूप से टॉर्चर करती है, ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया। और फिर किस प्रकार गांव वाले उनसे मतलब आजादी की मांग करते हैं, किस प्रकार आजादी प्राप्त करते हैं, और उनका नेतृत्व है शमशेरा यानी कि रणवीर कपूर करते हैं। और उनके पिता भी एक क्रांतिकारी थे, वो भी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे हैं। फिल्म का जो पहला जो इंट्रोडक्शन सीन है उसी में ये कहा जाता है कि गुलामी कोई चाहता नहीं है, मतलब गुलामी कैसी भी हो गुलामी अच्छी नहीं होती, और आजादी कोई देता नहीं है, आजादी हासिल करनी पड़ती है, आजादी छीननी पड़ती है, ये सुखकर डायलॉग है। तो पूरी फिल्म इसी के इर्द गिर्द है। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि 1857 में भारत की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना गया है। रणवीर कपूर इसमें एक डकैत के रोल में है, नाम उनका शमशेरा है, और वो किस प्रकार से मतलब इन सब सिचुएशन से इन सब स्थितियों से निपटते हैं, इसके बारे में ये फिल्म है। तो जहां तक मैं बताऊं आपको ट्रेलर की, तो ट्रेलर को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके जो विजुअलाइजेशन है और सिनेमाटोग्राफी है, बहुत ही बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास आउटस्टैंडिंग है, मतलब जबरदस्त तरीके से इसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स नजर आ रहे हैं। VFX का जो इस्तेमाल किया गया वो भी बहुत ही बेहतरीन इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें एक्शन दृश्यों की, तो एक्शन दृश्य भी बड़े ही कमाल के लग रहे हैं। विशेषकर जो ट्रेन वाला जो एक्शन सिक्वेंसेज है इसमें, वो सीन काफी बेमिसाल है, काफी जबरदस्त तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया है, तो काफी कमाल का वो सीन रहने वाला है। इसके अलावा जो डायलॉग्स है वो अच्छे है, जो शुरू का डायलॉग है वो काफी अच्छा है। और जो कलाकारों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कलाकारों का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा लग रहा है। रणवीर कपूर डकैत के रोल में जच रहे हैं, उनका जो लुक है, बड़े बड़े बाल, लहराती हुई उनकी दाढ़ी और इंटेंस आंखें, घुटती हुई आंखें, काफी अच्छे नजर रणवीर सिंह इसमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों हमारे बॉलीवुड के पुराने दिग्गज लीजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना डकैत का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया करते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि रणवीर कपूर इस रोल को कितनी अच्छी तरह से निभा पाते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन लुक वाइज ही इज ओके, अच्छे लग रहे हैं, और उनका जो एक्टिंग है, उनकी जो अभिनय, वो भी अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि इसमें वे थोड़े सीन उनके फन वाले सीन भी ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, और उसमें भी वे काफी अच्छे लग रहे हैं। और एक उनका एक डांस सीक्वेंस भी है, एक गाना भी, गाने की भी एक थोड़ी सी झलक ट्रेलर में दिखाई जा रही है, उसमें भी बहुत ही अच्छे स्टेप्स उनके लग रहे हैं। थोड़ी सी झलक वाणी कपूर की भी दिखाई दी है, एक फिल्म का एक गाना है उसमें वे डांस करती हुई नजर आ रही है। तो वाणी कपूर का जो लुक है वो भी काफी अच्छा है, और शायद वे भी इसमें प्रभावशाली रहेगी, ट्रेलर में तो कम से कम यही लग रहा है। और इसके अलावा बात करें अगर संजय दत्त की, तो संजय दत्त का लुक भी बहुत ही खतरनाक है, बेहतरीन है, और उनके बाल छोटे छोटे हैं, पीछे एक छोटी सी लटकी हुई है उनकी, और ललाट पे उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, और दरोगा के बेस में है, खाकी ड्रेस पहने हुए है, और हाथों में अंटर है, और डायलॉग डिलीवरी काफी मजेदार है, कॉमेडी भी करते हुए नजर आ रहे हैं विलेन के साथ साथ। वो एक दो सीन उनके ऐसे भी दिखाए गए जिसमें वो कॉमेडी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो संजय दत्त का रोल इसमें काफी अलग होने वाला है और काफी मजेदार होने वाला, मुझे लगता है कि वो जितने खतरनाक लगेंगे उतने ही वो कई सीन में आपको कॉमेडी भी करेंगे, तो काफी अच्छा है मतलब उनका लुक और उनका रोल इस फिल्म में रहने वाला है। करण मल्होत्रा फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अग्निपथ में भी उन्होंने संजय दत्त को कांचा चिन्ना के रोल में जबरदस्त लुक दिया था और जबरदस्त उनसे एक्टिंग कराई थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। और जहां तक BGM की बात करें तो BGM भी बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कुल मिलाकर के ट्रेलर काफी अच्छा है। अब इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट कैसी रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो एक्शन सीन है, जो विशेषकर जो लास्ट वाला एक्शन सीन दिखाया गया है जिसमें संजय दत्त तथा रणवीर कपूर आपस में फाइटिंग करते नजर आ रहे हैं, वो भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी मतलब रोमांचित करने वाला सीन लग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रेलर अच्छा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म कैसी होती है, फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा रहता है, फिल्म कितनी ग्रिपिंग रहती है। हालांकि संजय दत्त का लुक थोड़ा थोड़ा KGF से मिलता जुलता लग रहा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितनी अलग बनाई गई है और किस प्रकार का इन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया है और दर्शकों को कितना बांधने में कामयाब रहेगी। लेकिन स्टोरी वाइज तो थोड़ा सा प्लॉट तो फिल्म का अलग लग रहा है, जो कहानी का जो कंटेंट है वो तो थोड़ा सा अलग है, और कलाकारों का लुक भी बिल्कुल डिफरेंट है।
तो रणवीर कपूर तो बिल्कुल ही नए अवतार में है, तो रणवीर कपूर तथा संजय दत्त की ये जो भिड़ंत है ये देखने लायक तो जरूर होने वाली है, और ट्रेलर से भी पता चल रहा है कि जो फिल्म है उसमें थोड़े फनी मोमेंट्स भी होने वाले हैं, कॉमेडी सीन भी होने वाले हैं। विशेषकर संजय दत्त तथा रणवीर कपूर एक तो सीन में ऐसे नजर आ रहे हैं कि फिल्म में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के ट्रेलर अच्छा है, मेरी इस ट्रेलर के लिए रेटिंग 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 है। दोस्तों आप अपना भी जो टेक है, अपनी जो राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।